इस वीडियो में हम पैटर्न मेथड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पैटर्न मेथड का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सभी एग्जांपल हम क्लास 8 का जो बुक है न्यू मैच एहेड उसी बुक से लेंगे और एक्सरसाइज होगा 8.2। 8.2 जो एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पहले सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अभी हम क्वेश्चन 2 और 3 का सॉल्यूशन करेंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन 2 और 3 है इसी क्वेश्चन से हम पैटर्न मेथड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पैटर्न मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड ये दोनों सेम ही मेथड है। क्वेश्चन 2 में ये दिया हुआ है कि यूजिंग द पैटर्न मेथड कैलकुलेट मेंटली द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो उसमें कुछ नंबर दिया हुआ है, नंबर को हमें मेंटली पैटर्न मेथड की हेल्प से हमें इसका स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल होगा, हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, इसको ऐसे करके नहीं दिखाना है, जस्ट स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा वो फाइंड करना है मेंटली। तो मेंटली फाइंड करने के लिए हमें पहले प्रोसेस को जानना पड़ेगा, मतलब कैसे फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है 45, तो उसका अगर हम मेंटली कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे करना चाहिए हमें। तो ये जो 45 है पहले हमें इसको पेयर करना पड़ेगा, ये एक पेयर बन गया है। तो ये जो 45 है इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा वो हमें मेंटली फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब ऐसे एक पेयर बनेगा, ये जो पेयर है इसको हम पीरियड भी कह सकते हैं, ये एक पीरियड है ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसमें एक पीरियड बन गया है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे 3 प्लेसेस ड्रॉ करना पड़ेगा। एक प्लेसेस में 1 डिजिट रहेगा क्योंकि इसमें एक ही पीरियड है, मतलब एक पेयर बन रहा है। सो हम इसमें 1 डिजिट रखेंगे, 1 डिजिट इस प्लेस में 1 डिजिट रखेंगे। 1 से अगर ज़्यादा होगा तो इसमें कैरी करके ले आएंगे, फिर हम इसमें भी 1 डिजिट रखेंगे, 1 डिजिट। तो अगर 1 डिजिट से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको कैरी करके ले आएंगे। तो ये जो 1 डिजिट हमने लिखा, मतलब इसमें 1 डिजिट होगा, इसमें 1 डिजिट होगा, इसमें भी 1 डिजिट होगा। अगर 1 डिजिट से ज़्यादा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें और इसमें एक एक डिजिट ही हमें रखना है क्योंकि इसमें एक ही पेयर बन रहा है। तो इसीलिए हम इसमें एक डिजिट रखेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो इसमें रखेंगे, इसके इसमें कैरी करके, मतलब ये इसमें जो वैल्यू होगा उसी वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे। और इसमें अगर एक डिजिट से ज़्यादा होगा तो वो वैल्यू हम कैरी करके यहाँ ले आएंगे। तो ऐसे हमें करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, ऐसे 3 प्लेसेस बनाएंगे, तो उसमें एक ही पेयर है। पहले हमें क्या करना है, ये जो लास्ट में जो वैल्यू है इस वैल्यू को हमें स्क्वायर करना है। 5 को स्क्वायर करेंगे तो 5 स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 25 होगा। तो 25 इसमें कितना है, 2 डिजिट है, तो हमें ऐसे 2 डिजिट नहीं लिखना है, एक डिजिट को लिखना पड़ेगा। ये जो 2 है इसमें ये ऐड हो जाएगा, मतलब इस प्लेस में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू है 4, 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 4 × 5 × 2 कर देना है। इक्वल टू क्या मिलेगा, 4, 5 = 20, 20 × 2 जब करेंगे तो कितना होगा, 40। तो उसमें कैरी कितना है, 2 है, प्लस 2 कर देना है तो कितना होगा, 42। इसमें हमें 42 ऐसे नहीं लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा, एक डिजिट लिखना पड़ेगा, इसलिए हम इधर 2 को रखेंगे और ये जो 4 है यहाँ कैरी करके ले आएंगे। तो लास्ट में क्या करना है, ये जो पहला जो डिजिट है इसको हमें स्क्वायर कर देना है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16, 16 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। मतलब इस वैल्यू को अगर हम पैटर्न मेथड में कैलकुलेशन करेंगे तो स्क्वायर वैल्यू कितना आएगा, 2025 आएगा। ये होगा इसका आंसर। मैं इसको सॉल्यूशन करने का और एक तरीका आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। मतलब इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब ये हो गया 45, इसका क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 45 × 45। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में सम वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में सम वैल्यू, मतलब ये जो 1 डिजिट है, 1 डिजिट का सम वैल्यू कितना होना चाहिए, सम वैल्यू 10 होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। सम वैल्यू अगर इसमें 10 होगा और ये जो 10th डिजिट है ये अगर ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए ही होगा, और ये जो 10th डिजिट है, मतलब ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, 10 प्लेस में जो भी वैल्यू होगा ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू कितना होना चाहिए, 10 प्लेस का वैल्यू 10 प्लेस वैल्यू कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम। अगर सेम होगा तो हम इसको बहुत इजी तरीके से इसका स्क्वायर वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इधर हमने देखा इन दोनों का सम वैल्यू 10 है, पहला कंडीशन
यूज़ हो रहा है इधर। दूसरा कंडीशन में हमें क्या चाहिए, टेन प्लेस का जो वैल्यू है वो सेम होना चाहिए, ऊपर में भी सेम होना चाहिए, नीचे में भी सेम होना चाहिए, मतलब ऊपर और नीचे दोनों में सेम ही वैल्यू रहना चाहिए। अगर इधर फाइव होगा तो इधर भी फाइव होना चाहिए, इधर सिक्स होगा तो इधर भी सिक्स होना चाहिए। इसमें इन दोनों का सम वैल्यू टेन होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब टेन नहीं होने से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वन प्लस है, वन प्लस में इन दोनों का सम वैल्यू ऑलवेज टेन जब आएगा तब हम इसी मेथड को यूज़ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, डायरेक्टली बहुत इजी हो जाएगा, अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो आएगा 25। और ये जो दोनों वैल्यू है सेम वैल्यू होगा इन दोनों में, जब सेम वैल्यू होगा तब हम ऐसे कर पाएंगे। तो इस किसी भी वैल्यू के साथ एक को हमें ऐड कर देना है, इस फोर के साथ अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव, फाइव इंटू फोर कर देना है, फाइव इंटू फोर के लिए कितना हो जाएगा 20। ये जो आंसर आ गया है और ये जो आंसर आ गया है दोनों सेम हो गया है। इसको हमने पैटर्न मेथड को यूज़ करके फाइंड कर दिया है और ये एक दूसरा मेथड है। क्वेश्चन टू में दिया हुआ है 55, तो उसका हमें स्क्वायर मेंटली फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, हम दो मेथड से निकालेंगे। पहला जो मेथड होगा उस मेथड को कहते हैं पैटर्न मेथड। तो पैटर्न मेथड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर निकालना है। तो 55 इसमें पेयर कितना बनेगा, एक पेयर, ये हो गया स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, इसमें एक पेयर बन गया है तो इसमें टोटल ऐसे तीन लाइन ड्रॉ करना है, मतलब तीन प्लेसेस ऐसे हमें पहले ड्रॉ करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक पेयर मतलब एक पीरियड, एक पेयर और एक पीरियड ये दोनों सेम ही हैं, इसमें एक पेयर बन रहा है ऐसे भी हम कह सकते हैं, इसमें एक पीरियड बन रहा है ऐसे भी हम कह सकते हैं, ये दोनों सेम मीनिंग है। तो एक पेयर जब बनेगा तो उसमें एक डिजिट रहेगा, एक डिजिट से ज़्यादा होगा तो इधर सम हो जाएगा, और अगर इधर भी एक डिजिट से ज़्यादा होगा तो इधर हम कैरी करके ले आएंगे, इसमें सम कर देंगे। तो पहले क्या कर देना है, ये जो लास्ट में जो वैल्यू है इसको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 25। तो 25 को हमें इधर 5 ही लेना है, 2 को इधर सम कर देना है, प्लस 2 कर देंगे। इसमें जो वैल्यू आएगा उसी वैल्यू के साथ हम 2 को सम कर देंगे। तो नेक्स्ट क्या कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 जा 25, नेक्स्ट इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देना है, 25 इंटू 2 करेंगे तो 50, 50 प्लस 2 करेंगे तो 52 हो जाएगा। इधर हमें 52 वैल्यू मिल रहा है, लेकिन इसमें हम एक ही डिजिट रखेंगे, बाकी जो पहला जो डिजिट होगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डिजिट होगा उसको इधर ऐसे जोड़ेंगे, मतलब इसमें जो वैल्यू आएगा उसके साथ हम सम कर देंगे। लास्ट में क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसको हमें स्क्वायर कर देना है। पहले हम इसको स्क्वायर करेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में इसको स्क्वायर करेंगे। सो ये जो 5 है, 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस ये 5 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 30। तो ये बन गया है इसका स्क्वायर वैल्यू, मतलब 55 का स्क्वायर वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 30 25 ऐसे आएगा। इसको अगर हम चाहें तो इजी तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, 55 स्क्वायर 55 इंटू 55। तो इधर अगर हम नोटिस करेंगे तो क्या मिल रहा है, ये जो वन प्लस है इन दोनों का सम वैल्यू कितना है, सम वैल्यू 10 है। नेक्स्ट इसका जो 10 प्लस है, ये 10 प्लस है, 10 प्लस में दोनों वैल्यू ऊपर और नीचे दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो पहले जो मैंने सिखाया था उसी के हिसाब से ये बन रहा है, मतलब वो रूल फॉलो कर रहा है। तो टू डिजिट नंबर जब ऐसे रहेगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 25, और ये जो 10 प्लस में जो वैल्यू है ऊपर और नीचे किसी एक के साथ एक को जोड़ देना है, मतलब इसमें 5 है इसमें 5 है, तो ये जो 5 है उसके साथ अगर हम एक को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6। तो 6 इंटू 5 कर देना है, 6 इंटू 5 के लिए कितना होगा, 30। तो ऐसे भी हम इसका जो टू डिजिट नंबर है उसका स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वन प्लस में सम वैल्यू 10 होना चाहिए तब हम ऐसे कर पाएंगे। और जो 10 प्लस है, ये 10 प्लस है, ये 1 प्लस, ये 10 प्लस, ये 10 प्लस में वैल्यू कैसा होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 105, इसको भी हमें पैटर्न मेथड को यूज़ करके इसका जो स्क्वायर वैल्यू है उसको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, पेयर करेंगे, ये एक पेयर बन गया है और ये एक पेयर बन गया है, मतलब इसमें दो पेयर बनेगा। तो ये एक पेयर है लेकिन ये एक पेयर नहीं है क्योंकि इसमें एक डिजिट कम है, फिर भी हमें इसको एक ही पेयर कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब ये एक पेयर है ये एक पेयर है। ये जो 105 ये जो नंबर है, इस नंबर में टोटल 2 पेयर्स है। तो ये जो 2 पेयर्स है उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें 105 में 2 पीरियड्स है। तो पहले मैंने ये देखा है कि जब 1 पीरियड होगा तो 1 डिजिट होगा, इसमें 2 पीरियड है इसलिए 2 डिजिट होगा। ऐसे हमें क्या करना है, 3 प्लेसेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले 1 पेयर था,
वन पेयर भी कह सकते हैं, वन पीरियड भी कह सकते हैं। पहले जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें एक पेयर था, तो इसीलिए हमने एक डिजिट को इधर रखा। एक से ज़्यादा होगा तो हम इधर कैरी करके ले आएंगे, उसमें अगर एक से ज़्यादा होगा तो हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो अभी इसमें दो पेयर है, इसीलिए हमें इसमें टू डिजिट को रखना पड़ेगा, इसमें भी टू डिजिट को रखना पड़ेगा। टू डिजिट से अगर ज़्यादा होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो उसके लिए हम ये जो पेयर है इस पेयर को स्क्वायर कर देंगे। तो 0.5 को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। तो उसमें हम दो डिजिट लिख सकते हैं, इसमें टोटल दो डिजिट ही है, तो इधर हम लिख देंगे 25। ये जो पेयर है और ये जो पेयर है दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा 5। और वो जो वैल्यू हमें मिला उसके साथ हमें इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या बनेगा 10 बनेगा। तो ये जो 10 है इसमें कितना डिजिट है, दो डिजिट है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10। नेक्स्ट हमें ये जो लास्ट डिजिट है इसको स्क्वायर कर देना है, तो 1 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो अभी हमें 105 का स्क्वायर वैल्यू मिल गया है, तो 105 का स्क्वायर वैल्यू होगा 11025। ये है 105 का स्क्वायर वैल्यू। क्वेश्चन 4 में ये दिया हुआ है 225, इसका भी हमें मेंटली पैटर्न मेथड को यूज़ करके इसका जो स्क्वायर वैल्यू है उसको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको पेयर करेंगे, ये एक पेयर बन गया है, ये एक पेयर बन गया है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें टोटल दो पीरियड है, ये एक पीरियड, ये एक पीरियड। तो उसका जो स्क्वायर वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे, इसमें ऐसे 3 प्लेसेस ड्रॉ करेंगे, इसमें दो डिजिट रखेंगे, दो से ज़्यादा होगा तो इसके साथ साम कर देंगे, इसमें भी दो डिजिट रखेंगे और दो डिजिट से ज़्यादा होगा तो इसके साथ हम इस वैल्यू को साम कर देंगे, मतलब कैरी होगा। तो उसको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो लास्ट पेयर है, लास्ट पेयर लेफ्ट हैंड साइड से, इसको हमें स्क्वायर कर देना है। जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो उसको स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आएगा 625। तो उसमें हम इन दो डिजिट को इधर लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे, और ये जो 6 है इसमें जो भी वैल्यू आएगा इसके साथ ऐड कर देंगे, 6 इधर कैरी करके ऐसे रख देंगे। तो 2 × 25 जब करेंगे तो कितना होगा 50, 50 × 2 करेंगे तो कितना होगा 100 होगा, 100 प्लस 6 जब करेंगे तो कितना आएगा 106 आएगा। तो इसमें से इन दो डिजिट को हमें इधर लिख देना है 106, ये 6 ऐड हो गया है। अभी इस 1 को हम इधर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इसमें हमें दो डिजिट ही लिखना है, तो इस 1 को हम क्या करेंगे इधर कैरी कर ले आएंगे, मतलब जो भी वैल्यू लास्ट में आएगा उसके साथ 1 को हम साम कर देंगे। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है इसको स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना है 4, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5, तो ये 1 इसके साथ ऐड हो गया है। फाइनली हमें स्क्वायर वैल्यू मिल गया है 50625। तो 225 का स्क्वायर वैल्यू हो गया है 50625। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है 125, ये एक हो गया पेयर, ये हो गया एक पेयर, ऐसे 3 प्लेसेस ड्रॉ करेंगे। 25 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो 625 होगा, तो हमें इधर दो डिजिट ही लिखना है, तो 25 को इधर लिख देंगे। हमें ये जो 6 है 6 इधर ऐड कर देना है, मतलब इसमें जो वैल्यू आएगा उसके साथ ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्या करना है, ये जो 1 × 25 करेंगे तो 25, 25 × 2 करेंगे तो 50, 50 प्लस 6 करेंगे तो 56, दो डिजिट बन गया है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, 1 को स्क्वायर कर देंगे, 1² = 1, मतलब हमें वैल्यू मिल गया है 15625। जब हम इसको बार बार रिपीट करेंगे, मतलब इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें इसको मेंटली सोल्व करने का आदत बन जाएगा। तो अभी मैंने इसको दिखा दिया है कि कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालना है बाय यूजिंग पैटर्न मेथड। क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है 1005, तो उसमें ये एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर बनेगा। तो उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें दो पीरियड्स है, तो उसका हमें स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे 3 प्लेसेस ड्रॉ करना है, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, हमें इसको स्क्वायर करना है, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। 05 को स्क्वायर करने से हमें वैल्यू मिलेगा 25। तो 25 टू डिजिट है, इसको डायरेक्ट हम इधर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 10 × 5 करेंगे तो 50, 50 × इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आएगा 100। तो उसमें इन दो डिजिट को हमें इधर लिखना है क्योंकि इसमें कैरी नहीं हुआ है, 00 ही रहेगा, तो 1 इधर ऐसे ऐड करना पड़ेगा इस जगह पर। तो 10 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, लास्ट में ये क्या है, ये 10 ही है, लास्ट में 10 है, तो 10 को जब स्क्वायर करेंगे तो 100, 100
प्लस वन करेंगे तो 101, 101 ये आ गया इसका स्क्वायर वैल्यू, तो लिखेंगे तो होगा 101025। इन दोनों में दो डिजिट ही होगा, इसमें दो डिजिट तीन डिजिट ऐसे हो सकता है, इसमें वन डिजिट भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसमें टू डिजिट ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें अगर टू डिजिट से ज़्यादा नहीं होगा, टू डिजिट से ज़्यादा होगा तो हम इधर कैरी करके सम कर देंगे, इसमें टू डिजिट से ज़्यादा होगा तो उसको हम इधर कैरी करके ले आएंगे और इसमें जो वैल्यू आएगा उसके साथ सम कर देंगे। तो क्वेश्चन थ्री में ये दिया हुआ है कि फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय द पैटर्न मेथड, तो पैटर्न मेथड को यूज़ करके हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन वन में दिया है 625, मतलब 625। इसको हमें करके दिखाना पड़ेगा। पहला जो क्वेश्चन है उसको मेंटली करने के लिए दिया है, लेकिन ये मेंटली करने के लिए नहीं दिया हुआ है, तो उसको हमें करके दिखाना पड़ेगा। तो हम ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन, तो पहले इसको लिख देंगे 625, तो पेयर करेंगे तो ये एक पेयर बन जाएगा, ये एक पेयर बन जाएगा, मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं इसमें दो पीरियड्स है। तो नेक्स्ट हमें डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये जो दो पीरियड है, पहले हमें इसके बारे में सोचना नहीं है, तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा वैल्यू है, सिक्स है, तो इधर जो वैल्यू देंगे इधर भी सेम वैल्यू देंगे, वन से हम नाइन तक वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अगर हम इधर वन देंगे तो इधर भी वन देंगे, इधर टू देंगे तो इधर भी टू देंगे, सेम वैल्यू। तो इधर हम अगर टू देंगे इधर टू देंगे तो इधर होगा फोर, फोर इज लेस देन सिक्स, अगर हम थ्री दे देंगे तो इधर होगा थ्री, इधर होगा थ्री, इधर कितना हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, तो नाइन इज ग्रेटर देन सिक्स, सो नाइन नहीं होगा, तो इधर हमें दे देना पड़ेगा क्या, टू, इधर टू देंगे तो इधर भी टू देना पड़ेगा, तो टू टू जा कितना होगा फोर, तो ये फोर बन गया है, तो अभी हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा। नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, इन दोनों वैल्यू को सम कर देना है, दोनों वैल्यू को सम करेंगे तो वैल्यू होगा फोर, अभी ये फोर बन गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस फोर से टू को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो पेयर है एक पेयर एक साथ नीचे आएगा, तो उसको हम नीचे लाएंगे, तो नीचे जब लाएंगे तो 25 होगा, मतलब 225 हो गया है, तो इसको हमें अभी डिवाइड करना है। अभी इसमें क्या है, इसको आप लोग भूल जाइए इसमें क्या है, तो नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे, इसके लास्ट डिजिट क्या है, 5, तो अगर हम इधर 5 देंगे इधर भी 5 देंगे, मतलब इन दोनों में जैसे हमने इधर जो वैल्यू दिया इधर भी सेम वैल्यू दिया, इस तरह हम इधर एक वैल्यू देंगे वो वैल्यू इधर भी देंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये लास्ट वैल्यू निकल के आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 देने से शायद ये वैल्यू निकल के आ सकता है, तो हम एक बार देखेंगे, नहीं आएगा तो हम अलग डिजिट देकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 25 का 5 कैरी कितना होगा, 2 5 4 20 20 + 2 = 22, तो ये वैल्यू निकाल के आ गया है, 2 और वैल्यू देकर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दोनों 5 है इन दोनों 5 में से ये नीचे वाला 5 को इधर लिख देंगे और इधर लिख देंगे 225, इसको लिखना नहीं है, बाहर ऐसे राफली करना है, तो इसका जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो वैल्यू दिया है 625, देयरफॉर रूट ओवर 625 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू मिला है यही होगा इसका स्क्वायर, डायरेक्ट हम इसे 25 लिख सकते हैं। तो इसको ही कहते हैं पैटर्न मेथड, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो इसी तरह हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन टू में ये दिया हुआ है कि 2025, बहुत ही सिंपल है इसका सॉल्यूशन, तो पहले हमें क्या करना है, ऐसे करना है, उसके बाद इसको अंदर ऐसे लिख देना है 2025, पेयर करना है, लेफ्ट हैंड साइड से पेयर करेंगे यहाँ से इस तरफ, तो ये एक पेयर बन गया है, ये एक पेयर बन गया है, मतलब दो पीरियड्स है इसमें। तो अभी के लिए हम इसको नहीं देखेंगे, मतलब इसमें क्या वैल्यू है इसको इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, तो इसमें एक वैल्यू देंगे सेम वैल्यू इधर देंगे, तो कौन सा वैल्यू देना पड़ेगा, तो अगर हम इधर 5 देंगे इधर 5 देंगे तो कितना होगा जाएगा, 25 इज़ ए ग्रेटर नंबर देन 20, सो हमें 5 5 नहीं देना पड़ेगा। अगर हम 3 3 देंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन 9 इज़ वेरी स्मॉलर देन 20, सो हम 4 4 दे सकते हैं, तो इधर 4 लगाएंगे तो इधर भी 4 दे देंगे, तो 4 × 4 इक्वल कितना होगा 16। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू इन दोनों वैल्यू को सम कर देना है, 4 + 4 = 8, 20 से 16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे वैल्यू होगा 4, तो 4 को हम 8 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अगर इसकी बाद में पेयर है तो हम पेयर को क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, तो इस पेयर को नीचे लाएंगे तो क्या होगा 25। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या सोचना है, इसमें एक वैल्यू देंगे, जिस तरह हमने इधर और इधर एक वैल्यू दिया है था,
सेम इधर एक वैल्यू और इधर एक वैल्यू देंगे, तो वो वैल्यू कौन सा होना चाहिए, वन से नाइन तक जो भी वैल्यू है वैल्यू हम दे सकते हैं, जो भी वैल्यू हमें जो चाहिए वो हम दे सकते हैं। मान लो इधर हमने दे दिया टू, इधर दे दिया टू, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फोर आएगा, इसके लास्ट में क्या है, फाइव है, तो टू देने का मतलब ही नहीं है, तो नहीं देना पड़ेगा। तो कौन सा वैल्यू देना पड़ेगा, अगर हम इधर फाइव देंगे इधर फाइव देंगे तो कितना होगा, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव का फाइव खेरी कितना होगा टू, तो फाइव इंटू एट इक्वल टू कितना होगा फोर्टी, फोर्टी प्लस टू इक्वल टू कितना होगा फोर्टी टू, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये जो नीचे का फाइव है इसको इधर हम लिख देंगे और इसको हम ऐसे इरेज कर देंगे, तो ये फाइव और ये फाइव, एट फाइव, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन वैल्यू हमने निकाला था टू एट फाइव, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा जीरो। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर रूट ओवर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इक्वल टू हम लिख सकते हैं 45। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू का स्क्वायर जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 20 25। इस वीडियो में यही लास्ट क्वेश्चन होगा। इस वीडियो में मैंने कवर किया है क्वेश्चन टू से क्वेश्चन थ्री तक, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन टू से क्वेश्चन थ्री तक, और इसमें ये जो क्वेश्चन थ्री है, थ्री में से क्वेश्चन थ्री फोर एंड फाइव इसका मैंने सॉल्यूशन अभी तक नहीं किया है, मैं इसका सॉल्यूशन करके वीडियो की एंड में ऐड कर दूंगा, आप लोग इधर से देख लीजिएगा। अगर सभी क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्यूशन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे सोचा कि इसका ऐसे इमेज ही अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सिंपल है, एक पेयर बन गया, दो पेयर या तीन पेयर बन गया है। तो जस्ट हमें क्या करना है, पहले ये देखना है कि ये जो 13 2 2 5, एक पेयर दो पेयर ये हो गया, तीन पेयर हो गया इसमें, टोटल तीन पीरियड है इसमें। तो पहले हम इसको नहीं देखेंगे, इसमें क्या है इसको हमें नहीं देखना है, जस्ट हमें इसको देखना है। तो वन है इधर, अगर वन देंगे तो इधर भी वन होगा, तो इधर वन होगा, वन वन से सब्सट्रैक्ट हो गया, जीरो रहेगा, तो इन दोनों को नेक्स्ट सम करना है तो टू रहेगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये वैल्यू नीचे आ जाएगा, मतलब ये पेयर एक ही साथ नीचे आएगा, एक पेयर एक बार में आएगा, मतलब एक बार हम थ्री को लाएंगे एक बार टू को लाएंगे ऐसे नहीं करना है, दोनों को एक साथ ही आएगा, मतलब एक पेयर एक बार ही नीचे आएगा। तो 32 को अभी हमें डिवाइड करना है, तो 32 मान लो इधर हम टू दे देंगे इधर टू दे देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा, 32 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इधर टू नहीं दे पाएंगे, तो कितना दे पाएंगे, वन, इधर वन देंगे तो कितना होगा, वन टू, मतलब 21 इज़ ए स्मॉलर नंबर देन 32। सो हम इधर वन दे देंगे, ये जो नीचे वन है इसको इधर लिख देंगे, मान लो इसको इधर हमने लिख दिया, और ये जो 21 है इसको हमने इधर लिख दिया, तो इधर ऐसे नहीं लिखना है, जस्ट हमें ऐसा आइडिया करना है कि हमने इधर ऐसे मल्टीप्लाई किया है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो उसमें आएगा वन, इसमें आएगा वन, और इसको हम नीचे लाएंगे तो 25 होगा। नेक्स्ट ये 21 है, मतलब ये 21 उसके साथ इसको हमें ऐड कर देना है, तो क्या बनेगा, 22 बन जाएगा, मतलब इस वैल्यू के साथ हम इसको ऐड कर देंगे तो 22 बन जाएगा। तो 22 बन गया है, अभी हमें ये 22 से इसका जो डिविजिबल वैल्यू होगा उसको फाइंड करना है। तो अगर हम इसको 5 देंगे इधर भी 5 देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 का 5 कैरी 2, 25 जा 10, 10 प्लस 2 इक्वल टू 12 का 2 कैरी कितना होगा, 1 होगा, 25 जा 10, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, मतलब ये वैल्यू निकल के आ गया है। अगर हम 5 टाइम्स देंगे तो इसका सिमिलर वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो इस 5 को हम लिख देंगे ऊपर और इस वैल्यू को हम लिख देंगे इधर, 1 1 2 5, तो ऐसे लिख देना है, इसको हमें इरेज कर देना है, मतलब इसको ऐसे हम इरेज कर देंगे, जस्ट हमें माइंड में ऐसे करना है, अगर हम चाहे तो बाहर कर सकते हैं। तो ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन, तो हमें वैल्यू मिल गया है 115 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13,225, देयर रूट ओवर 13,225 इक्वल टू कितना है 115, मतलब 115 को स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू है 13,225 ये निकल के आएगा। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा एक चैनल है आर्ट रिलेटेड चैनल जिसका नाम है रिमीडियल आर्ट, अगर आप लोगों को आर्ट से इंटरेस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, चैनल का नाम है रिमीडियल आर्ट।